आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। आप लोग उल्टा सीधा खिलाकर अपने बच्चों को राक्षस बना रहे हो। ऊपर से कहते हो हमारा बच्चा नहीं, राक्षस किसी की सुनता है क्या? गुनाह किसने किया? बांट मीट खिला के तुमने के लिए, अंडा बंडा खिला के तुमने किया। वैसे व्यासपीठ से ये सब नाम नहीं लेने चाहिए, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्सपोज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये उदाहरण है हमारे इतिहास में। हम जानबूझ के शास्त्र इसीलिए नहीं पढ़ते, इसीलिए नहीं सुनते, क्योंकि सुनेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो हम कैसे खाएंगे फिर? अरे भाई, तुम नरक में जाने के लिए आए हो कि स्वर्ग में जाने के लिए आए हो? तुम चाहते क्या? वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट? अगर अच्छी जिंदगी जियोगे तभी ना कुछ अच्छा फल मिलेगा। और आजकल तो देखो साहब, रसगुल्ला की दुकान पे उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ उन दुकानों पे। अभी मैं फ्लाइट में आ रहा था, मुंबई से जा रहा था दिल्ली, और उसमें मेरी हमारी बगल में बैठ गया वो एक, अब साहब हम लोग तो इकोनॉमी में चलने वाले लोग, वो वीआईपी क्लास वाले तो हम है नहीं, और हमारे सेठ भाटिया भी ऐसे नहीं है जो कहीं वीआईपी में आ जाया करो। हमारे सेठ भाटिया तो कहते आ जाओ, चाहे ट्रेन में लटक के आओ पर आ जाओ, कथा सुनाओ बस। बहुत से लोग तो सब, कई महाराज हैं जिनकी फ्लाइटें सब उनके चेलों पे हैं, जिसको चाहे बोला महाराज। अपन वैसे ही अपने आप से ही पकड़ते इकोनॉमी की जो, और पहले करा लेते जो सस्ती मिले। हम लोग, हमारा जो टूर है वो पहले से ही फिक्स है, हम पहले से फिक्स है तो टिकट भी फिक्स है, 2-2.5 महीने पहले से करा लेते जो और सस्ती मिले। ऐसा है ना, रूल है, थोड़ा सस्ती मिल जाती है तो 2-3 हज़ार में शायद पुणे की टिकट बन गई होगी। आई एम हैप्पी, 2-3 हज़ार देखो कितनी ऊंची जगह बैठा दिया है। तो होता कई लोग ऐसा करते हैं, तो ठीक है, तो वहाँ बैठे थे हमारी बगल में आके बैठ के वो शुरू। अब बाबा उसको कैसे गई तू उठ जा, और हम उठ नहीं सकते क्योंकि वो बैठा ही लास्ट सीट पे, हम इधर बैठे खिड़की तरफ, हम जा नहीं सकते। अब तो एक ही काम कर सकते भैया, मुंह बांध के अपनों देख खिड़की में उन्हें बैठे रहे, तू कच्छू खा। क्या करेंगे आप भाई, अब लड़ेंगे उससे? वो खा रहा है उसकी मर्जी। तो कभी आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना। एक और बात बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप गंदी चीज खाते हो, आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी होंगे नहीं। जो लोग कहते हैं ना मेरा मन कथा में नहीं लगता, अमर रोज बाइट बाइट खाता है 5, यहां मन लगाएगा तेरा? लगेगा ये मन तेरा? फिर तो तेरा मन वहीं लगेगा जहां वो कोई नाचने वाले गाने वाले लगे रहते, वहीं लगा नाच, क्योंकि तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने हंसनी के 100 अंडे खाए थे, वही 100 के 100 अंडे तुम्हारे बच्चे बने, जिसका पाप तुमको भोगना पड़ा। अब आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके विषय में तो कुछ नहीं कहूंगा कि आपको जो करना है करें, लेकिन अपने बच्चों को इस पाप में भागीदार मत बनाइए आप, प्लीज प्लीज। वो अननोन बच्चे जिन्हें पता भी नहीं कि हम खा क्या रहे, उन्हें मां बाप खिला रहे। प्रोटीन है, प्रोटीन और 10 चीजों में, वो खिलाओ उसे, लेकिन गंदी चीज मत खिलाओ। मैं हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे भारत के भविष्य को बर्बाद मत करो आप, ये मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। आप खाते हो खूब खाओ, जो मर रहे हो मरो, कि बच्चों को गलत विचारधारा मत दो, बच्चों को गलत चीजें मत खिलाओ। बहुत से लोग तो ये कहते हैं जी अंडा तो वेजिटेबल में आता, तेरी तो ले ये वेजिटेबल है, ते सामने आ जाते लगा दूं 2-4 चेलाओं को तेरे पीछे, सेवा करवाऊं तेरी, ये वेजिटेबल है, थोड़ा सा बड़ा हो जाना तो देख इसमें कौन सी वेजिटेबल निकली। झूठ बोलता पाप, तो प्लीज बी केयरफुल, अपने बच्चों को इस पाप से बचाइए, वरना जो धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा कहीं हमें ना भोगना पड़े। और ये बात मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूं, जबरदस्त बोल रहा हूं, जिससे आप सुरक्षित हो जाए, आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाए, आपको भोगना ना पड़े, आपका भला इसमें छिपा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, आपका भला छिपा इसलिए बोल रहा हूं, वरना मेरी क्या जरूरत है साहब, मुझे क्या पड़ा।
तो आज ये प्रण कीजिए, ना हम खाएंगे ना अपने बच्चों को अंडा मीट खाने देंगे, ऐसा संकल्प आज कथा पंडाल में हमें इस धृतराष्ट्र की कथा को सुन के ले लेना चाहिए। बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि आज के बाद हम ये सब गंद नहीं खाएंगे ना अपने बच्चों को खाने देंगे, और ये प्रॉमिस हम करते हैं आज ही कथा पंडाल में छोड़ते हैं? कौन कौन प्रण करता है? जो जो करते हाथ उठाकर बताइए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जो हाथ जो कर सकते हो वो हाथ उठाएं, और जो खाते नहीं उन वो भी उठा सकते हैं, जो खाते नहीं है वो तो अच्छी बात है।